उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देशन में जनपद पीलीभीत में 16 फीट लंबी बांसुरी का वृक्ष रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वृक्ष की सबसे लंबी बांसुरी 11 फीट का रिकॉर्ड जामनगर गुजरात के नाम था। अब नया रिकॉर्ड पीलीभीत के नाम हो गया है। पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव में वृक्ष की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। अपने जनपद में रईस अहमद ने 16 फीट की सबसे लंबी बांसुरी बनाई है। यह बांसुरी बांस से तैयार की गई है, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की ओर से वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इससे पहले सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड गुजरात के जामनगर के नाम था। इतना ही नहीं, इस बांसुरी महोत्सव में बांसुरी वादन सिस्टर देवप्रिया चटर्जी और सुचिस्मिता वे अन्य बांसुरी वादनों ने बांसुरी की धुन से जनता को मंत्रमुग कर दिया और मैथिली ठाकुर ने अपने संगीत से महफिल में चार चांद लगा दिए। पीलीभीत से ईश्वरी प्रसाद की खास रिपोर्ट। कहां तक उपलब्धि मिली आपको, किसने बनाई है बांसुरी? जनपद पीलीभीत को हम सभी पारंपरिक रूप से बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं और यही सोच थी कि यहाँ पे एक बांसुरी महोत्सव कराया जाए, बड़े बड़े बांसुरी के कलाकार यहाँ पर आएँ, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। साथ ही साथ जब ये पता करा गया कि अभी तक का रिकॉर्ड ऐसी सबसे बड़ी बांसुरी का जिसको बजाया जा सके वो पीलीभीत के नाम नहीं था, वो जामनगर गुजरात के नाम था 11 फीट की बांसुरी का, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इनसे संपर्क करा गया और एक प्रयास करने का सोचा गया कि ये रिकॉर्ड बांसुरी नगरी के नाम आए। और आज बांसुरी महोत्सव के दिनों में ही हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं। रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि सोलंकी जी यहाँ पे मौजूद रहे, उनकी टीम मौजूद रही, निर्माण के दौरान वो मौजूद रहे, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा करते हुए आज पीलीभीत ने 16 फुट की बजाने योग्य बांसुरी का निर्माण करके इस रिकॉर्ड को दर्ज करा है। मैं सभी जनपद वासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है और इसको बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस तरह के रिकॉर्ड्स आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं कि वो इससे जुड़े रहें और आगे बढ़ें। सर, जिस तरीके से आज रिकॉर्ड बनाया गया पीलीभीत के लिए, ये बड़े गर्व की बात है, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? बहुत गर्व की बात है और पूरी टीम जो इससे जुड़ी रही, हमारे जो कारीगर जुड़े रहे, महोत्सव को जिन्होंने कवर करा, जो टीम ने आके टेक्निकल सपोर्ट दिया, उन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उनके बिना ये रिकॉर्ड संभव नहीं हो सकता था। और जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड प्रेरणा देने के लिए होता है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे कलाकार कारीगर सब इससे प्रेरणा ले हैं और हम अपनी पारंपरिक बांसुरी को आगे भी इसी तरह निरंतर बनाए रखें।